मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है। मेरे जीवन में मैंने पूरी रीति से तुझे समर्पित दिया भी है कि नहीं दिया मुझे नहीं पता। मैंने कहा पवित्र आत्मा को आपके परमिशन की जरूरत है। यदि आप कहेंगे खुदा तो मुझे कभी भी किसी भी पल किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है, तो पवित्र आत्मा आपको उसी प्रकार से करेगा। मैं जगह को लेकर कभी बंदिशों में आपको नहीं रखना चाहता पवित्र आत्मा, यद्यपि वो मेरा सेवा का क्षेत्र हो। यदि आपको लगता है कि मुझे वहां इस्तेमाल होना है तो मैं जरूर से होऊंगा। पवित्र आत्मा, मैं अपने विचारों के द्वारा तुझे सीमित नहीं करना चाहता। मैं तुझे परमिशन नहीं देकर अपने आप को अनअवेलेबल बनाकर तुझसे लिमिट नहीं करना चाहता, तेरे कार्यों को लिमिट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं तू बड़े काम करने वाला खुदा है। मैं समर्पित होता हूँ पूरी रीति से, हर क्षण हर पल प्रत्येक बार के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मैं समर्पित होना चाहता हूं। खुदा, मैं हर बार तेरी आवाज सुनकर उसके अनुसार काम करना चाहता हूं। मुझ पर दया कर खुदा। जाने अनजाने में खुदा मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, पवित्र आत्मा मैंने तुझे शोकित किया है। जब आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, ये मैं था जिसने कहा नहीं मैं नहीं होना चाहता। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अब मैं तेरी राहों पे चलना चाहता हूं। प्रत्येक दिन प्रत्येक समय, कोई समय नहीं, रात हो या दिन हो, खुदा मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। जीवन के पड़ाव में, रिटायरमेंट के बाद, जब मैं खाली होऊंगा तब, ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया खुदा, लेकिन अब मैं जानता हूं खुदा ये सारे शब्द व्यर्थ हैं। मैं तुझे आज अनुमति देता हूं कि मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। आज के बाद मेरे जीवन को हर पल हर क्षण इस्तेमाल करना शुरू। पवित्र आत्मा ब्लेस करें। ये लोग टूट रहे हैं खुदा, जिन्होंने सुना है निर्णय की ओर जाने पाए। मैं आशीष और बरकत देता हूँ इनके जीवन में खुदा, ताकि एक नए जीवन को जिंदगी जी सके। पवित्र आत्मा इन्हें कन्विक्ट करें, और पवित्र आत्मा तू उनसे बातचीत कर। पूरा समर्पण के साथ हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहना सीख सके खुदा, तभी हम आपके लिए उपयोगी हो पाएंगे। प्रभु पूरी रीति से कब्जा आप हमारे जीवन में करें खुदा, सारा चीज आपके हाथों में है। एक एक चीजों का परमिशन हम आपको देते हैं, हमारी सोचों में, विचारों में, कामों में, हाथों के कामों में, और जो भी हम विचार करते हैं सारे चीजों में प्रभु, दिन हो या रात हो, चाहे कभी भी कोई सा भी समय हो, पहर हो, हम तुझे कार्य करने देना चाहते हैं। तेरी जैसी इच्छा वैसे तू हमें इस्तेमाल कर, जहां पे ले जाना वहां पे इस्तेमाल कर, चाहे वो गांव हो, चाहे वो बड़ा हो, शहर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक घर हो, चाहे एक व्यक्ति हो, खुदा तू अगर चाहता है तो हमें लेकर चल, तो हमें इस्तेमाल कर, लेकिन तो हमें यूज कर खुदा, क्योंकि जब तक तू इस्तेमाल नहीं करेगा खुदा, ये बढ़े गए मेरी, हम बढ़ भी नहीं सकते खुदा। जब तक हम यूज नहीं होंगे हम बढ़ेंगे भी नहीं खुदा। हमें इस्तेमाल कर ताकि हम बढ़ सके, दुगने रफ्तार से बढ़ सके, तिगुने रफ्तार से बढ़ सके, 6 गुने 1000 गुने रफ्तार से हमें बढ़ा खुदा। यीशु के नाम से ऐसा सबों के साथ होने पाए। जब वे समर्पित हो रहे खुदा, तेरे बड़ी महिमा इनके जीवन में होने पाए। एक एक को इस्तेमाल कर ताकि तेरे बड़े काम, बड़ी सामर्थ और बड़े तरीके से होने पाए। ऑनलाइन जितने लोग भी सुन रहे खुदा, उन्हें ब्लस कर, आशीष दे, इनका जीवन बदल जाने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपके ओर से और भी ज्यादा ये जागरूक और पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में बने रहने वाले हो सके, आपकी उपस्थिति के प्रति संवेदनशील होने पाए। प्रभु ब्लस करे, आशीष दीजिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, और परमेश्वर आपको ब्लस करे, आशीष दे, ब्लस यू एंड ब्लस यू।
ये समय परमेश्वर के धन्यवाद करने का है। खुदा ने आपको ब्लेस किया है, तो खुदा की उपस्थिति में आप अपनी गवाही